ब्रह्मांड का अंत अब से 22 अरब वर्ष पश्चात। इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड का अंत अब से 22 अरब वर्ष पश्चात। जो भी कुछ हम जानते हैं और उसके अतिरिक्त भी सब कुछ एक महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आया था। अब वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड का अंत भी बड़े ही नाटकीय तरीके से होगा। बिग रिब, जिसको बोलते हैं महाविच्छेद, ये नए सैद्धांतिक मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ सब कुछ आकाश गंगाओं से लेकर ग्रह तारे परमाणविक कणों से लेकर स्पेस टाइम तक अंततः दृश्य के बाहर होने से पहले विदीर्ण हो जाएंगे। अभी से घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन हम इस महाभयानक प्रलयकारी घटना को प्रारंभ से 22 वर्ष बाद देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की वांडरबिल्ट विश्वविद्यालय टेनेसी के गणितज्ञ डॉक्टर मार्सेलो डिस्कोंजी के अनुसार महाविच्छेद के सिद्धांत के अनुसार अंततोगत्वा पदार्थ का निर्माण करने वाली कण भी एक दूसरे से अलग होना प्रारंभ कर देगी, परमाणु भी विदीर्ण हो जाएंगे, सब कुछ बिखर जाएगा और यह एक बहुत ही सनसनीखेज नाटकीय घटना होगी। वैज्ञानिक अब लगभग एक मत है कि ब्रह्मांड का जन्म अब से 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट, जिसको बिग बैंग कहते हैं, से हुआ था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड ने अत्यधिक घनीभूत बिंदु से प्रारंभ कर विस्तार करते हुए आज वर्तमान आकार प्राप्त किया है। लेकिन ब्रह्मांड के अंत के बारे में वैज्ञानिक अभी भी एक मत नहीं है और वाद विवाद चलता रहता है। डॉक्टर डिस्कोंजी के अनुसार हम यह तय रूप से जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इस विस्तार की गति में वृद्धि भी हो रही है। बस यही तथ्य है जिसके पास कोई वाद विवाद नहीं है। इस विषय पर नई शोधों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार की गति में यह वृद्धि उस बिंदु तक जारी रहेगी जब अंतरिक्ष का हर बिंदु दूसरे बिंदु से अनंत गति से दूर होने लगेगा और उसी क्षण महाविच्छेद होगा। डॉक्टर डिस्कोंजी कहते हैं, गणितीय रूप से हम इस घटना का अर्थ जानते हैं, लेकिन भौतिक रूप से पूर्ण रूप से समझना कठिन है। विस्तार करते हुए ब्रह्मांड के प्रमाण दूरस्थ सुपरनोवा के निरीक्षण से प्राप्त हुए हैं। वे जितनी दूरी पर होते हैं उतने ही ज्यादा लाल दिखाई देते हैं, क्योंकि उससे निकलने वाला प्रकाश अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए हम तक पहुंचते फैल जाता है। इस घटना को लाल विचलन, रेड शिफ्ट कहते हैं। ब्रह्मांड की विस्तार की गति में हो रहे वृद्धि को समझने के लिए वैज्ञानिक डार्क एनर्जी को उत्तरदायी मानते हैं, जो कि ब्रह्मांड की कुल मात्रा का 70% भाग है। डरहम विश्वविद्यालय के खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर कार्लोस फ्रेंक के अनुसार भौतिक वैज्ञानिक अपनी अनभिज्ञता को छिपाने के लिए रहस्यमय नाम रखते हैं। हमारे पास डार्क एनर्जी की व्याख्या करने के लिए अभी कुछ नहीं है। ब्रह्मांड के विस्तार की गति में वृद्धि होते रहेगी और इस विस्तार की गति थम जाएगी। इसका नतीजा दो ब्रह्मांडीय शक्तियों में चल रहे महायुद्ध के नतीजे पर निर्भर करेगा। एक योद्धा श्याम एनर्जी, डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड को विस्तार दे रहा है। दूसरा योद्धा गुरुत्वाकर्षण, जो ब्रह्मांड को वापस सिकोड़ना चाहता है। दोनों में युद्ध जारी है। प्रश्न यह है कि विजेता कौन होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण जीतेगा तो ब्रह्मांड का अंत महासंकुचन, बिग क्रंच के रूप में होगा, जिसमें सारा ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सिकुड़ना प्रारंभ करेगा और वापस एक बिंदु के रूप में संपीड़ित हो जाएगा। यह प्रक्रिया बिग बैंग महाविस्फोट की विपरीत प्रक्रिया होगी। ठीक उसी तरह जब आप किसी वीडियो को उल्टा रिवर्स में देखते हैं, डार्क एनर्जी के विजेता होने की स्थिति में महाविच्छेद होगा। सभी पिंड, सभी पदार्थ, सभी परमाणु विदीर्ण हो जाएंगे। दोनों का महायुद्ध टाई होने पर एक भिन्न अंत होगा, जिसके अनुसार ब्रह्मांड शीतल होकर अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार इतना हो जाएगा कि नए तारों के जन्म के लिए गैसों का घनत्व पर्याप्त नहीं होगा। पुराने तारों की मृत्यु के पश्चात नए तारों का निर्माण नहीं होगा
उष्मा ऊर्जा का निर्माण बंद हो जाएगा। ब्रह्मांड इतना शीतल हो जाएगा कि परमाणु तथा अन्य परमाणविक कण गति बंद कर देंगे और समय का भी अर्थ समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स रिव्यू में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार इस महायुद्ध में श्याम एनर्जी डार्क एनर्जी की विजय होगी, अर्थात महाविच्छेद होगा। डॉक्टर डिस्कोंजी के अनुसार यह समीकरणों का सबसे प्राकृतिक निष्कर्ष है। इसे समझने के लिए आप एक कार की कल्पना करें कि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही और हर किलोमीटर के बाद अपनी गति में 10 किलोमीटर की वृद्धि कर रही, मतलब हर किलोमीटर में हर एक किलोमीटर जाने के बाद 10 किलोमीटर की वृद्धि करती जा रही है। उसके बाद उसकी गति में 10 किलोमीटर की वृद्धि आधे किलोमीटर की दर पर, कुछ समय बाद चौथाई किलोमीटर की दर पर, मतलब एक किलोमीटर पर 10 किलोमीटर बढ़ती जा रही है, अब आधे किलोमीटर पर 10 किलोमीटर बढ़ती जा रही है, फिर चौथाई किलोमीटर पर 10 किलोमीटर बढ़ती है, अंत में कुछ मीटर पर होता है। इस स्थिति में कार का अगला बम्पर और पिछला बम्पर अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब कार की गति में वृद्धि उसके मध्य की दूरी से कम हो रही है। कुछ समय बाद उस कार का हर हिस्सा एक दूसरे से अलग हो जाएगा, क्योंकि रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह घटना ब्रह्मांड में होगी या नहीं, इसका उत्तर डार्क एनर्जी के सुदूर भविष्य पर निर्भर है, और यह उत्तर पूर्ण रूप से परिकल्पना अटकलबाजी है। वर्तमान निरीक्षण और प्रमाण सभी के सभी इशारा कर रहे हैं कि अंततः डार्क एनर्जी की विजय होगी और इसका अंत महाविच्छेद के रूप में होगा, जिसमें ब्रह्मांड विदीर्ण होकर अदृश्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।